दिस चैनल इज़ फॉर एजुकेशन पर्पज़ एंड वी डोंट नॉट रिकमेंड यू टू बाय और सेल एनी स्टॉक्स बिफोर इन्वेस्टिंग इन आवर प्रिडिक्शंस प्लीज़ टेक एडवाइस फ्रॉम योर फाइनेंशियल एडवाइजर वी आर नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर एनी ऑफ योर प्रॉफिट एंड लॉसेस सो वेरी गुड इवनिंग गाइज वेलकम बैक टू आवर चैनल फी इन्वेस्ट उम्मीद है आप सभी के ट्रेडिंग तेज अच्छे जा रहे होंगे अगर नहीं जा रहे होंगे तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा आपको काफ़ी मदद मिलेगी अपनी ट्रेडिंग स्किल इंप्रूव करने में और अपने लिए सही स्टॉक चुनने में। तो बात करते हैं निफ्टी की। निफ्टी 50,582 पे ये हमारा क्लोज हुआ है आज। इसने कुल जो पॉजिटिव पॉइंट दिए हैं 147.95% ये बढ़ा है। तो आपको लगा सकते हैं आज निफ्टी जो था काफ़ी अच्छा बुलिश आपको दिखा के गया है। ये एक आवर का चार्ट मैंने खोल दिया है आपके लिए। देखिए ये जो पैटर्न है यहाँ पे हम इस पैटर्न का वेट कर रहे थे। कल एक्सपेक्ट ये था कि ये जो पैटर्न है ये दोबारा यहाँ पे देखने को मिला था तो स्टॉक के 50-50 चांसेस थे कि स्टॉक हल्का सा बियरिश मूव दिखा सकता है। बट स्टॉक जो था हल्का सा डाउन आया उसके बाद बढ़ गया। हो सकता है कल भी सेम चीज़ हमें देखने को मिले। हो सकता है 50-50 चांसेस दोनों चांसेस है। जैसे ये चल रहा है अभी बुलिश जो इसका ट्रेंड चल रहा है निफ्टी का बुलिश कंटिन्यू रखे या फिर हो सकता है ये हल्का सा बियरिश मूव ले। एक स्टैंड होता है वेव के फॉर्म में चलने का तो ये ऊपर बढ़ाए तो हल्का सा डाउन आके फिर दोबारा ऊपर बढ़ जाए तो निफ्टी हो सकता है। ये दोनों पॉसिबल कंडीशन इसमें देखने को मिल सकती है। आइए कुछ स्टॉक्स हमने आपके लिए सेलेक्ट किए हैं 1 जून 2021 के लिए तो उसके लेवल्स हम चेक कर लेते हैं। सो 1 जून के लिए जो हमने आपके लिए सबसे पहला लेवल चुना है वो होने वाला है हमारा श्रीराम ट्रांसपोर्टेशन फाइनेंस। अब जो सेलर एक्टिव हैं अगर निफ्टी घटता है तो ज़्यादा एडवांटेज मुझे लग रहा है कि हो सकता है। बट ठीक है दोनों 50-50 चांसेस है निफ्टी बढ़ता है तो इसमें भी आपको अच्छा खासा अप मूवमेंट देखने को मिलेगा। बाइंग का लेवल जो इसका बन रहा है नॉर्मली इसका बन रहा है 1434 पे। इस लेवल को क्रॉस करते ही ये जो है बुलिश जो पैटर्न है आपको देखने को मिल सकता है कंटिन्यू रह सकता है ये टिल जो मैं आपको अभी टारगेट्स बताऊंगा उसके बाद हो सकता है कि थोड़ा सा ये रिवर्सल लेके डाउन आ जाए। बट शॉर्ट सेलिंग का जो लेवल है वो इसका बन रहा है 1418 का। 1417 पे आपको इसे शॉर्ट करना पड़ेगा और बाई की तरफ में आपको 1435 पे इसको बाई करना पड़ेगा ये जो लेवल है 34 का इसको क्रॉस करने के बाद। तो 1418 का लेवल क्रॉस करते ही आपको ये अच्छा खासा बियरिश मूव देखने को मिल सकता है। हो सकता है अगर निफ्टी होल्ड लेता है तो स्टॉक्स में भी इफेक्ट पड़ता है उस चीज़ को ऐसे ही चुनिएगा। अगर निफ्टी होल्ड ले रहा है देखिए आपका लेवल अभी तक ब्रेकआउट नहीं हुआ है और निफ्टी काफ़ी ज़्यादा होल्ड पे है होल्ड यानी कि ज़्यादा मूवमेंट नहीं दिखा रहा है ऐसे इस स्ट्रेट फॉर्म में चल रहा है तो आप उस समय ट्रेड ना ही लें तो ज़्यादा बढ़िया है। अगर आप ट्रेड ले रहे हैं तो कंफर्म रखें कि आपका स्टॉप लॉस ट्रायल हो और हर स्टॉप लॉस को अपना स्टॉप लॉस जो है फर्स्ट टारगेट प्राइस पर ट्रायल करेंगे जैसे ही आपका फर्स्ट टारगेट प्राइस अचीव होगा उसके बाद सेकंड उसके बाद थर्ड। सो श्रीराम ट्रांसपोर्टेशन फाइनेंस के लेवल्स आपके सामने हैं 1433 पे से बाय करके चलना है यानी कि 1434 पे आपको इसको बाय करना है। एग्जैक्ट ये लेवल बन रहा है बाय साइड का। स्टॉप लॉस है आपका 1420 टारगेट है 1440 1453 1465 का लास्ट टारगेट प्राइस है आपका। शॉर्ट सेलिंग का लेवल है 1418 का 1417 पे से शॉर्ट करके चलेंगे। स्टॉप लॉस है आपका 1433 1434 पे अपना स्टॉप लॉस लगाएंगे। इस वैल्यू पे एग्जैक्ट अपना स्टॉप लॉस नहीं लगाएंगे ना ही इस वैल्यू पे ना ही इस वैल्यू पे शॉर्ट सेल करेंगे ना ही इस वैल्यू पे बाय करेंगे। एग्जैक्ट इस वैल्यू पे इस लेवल के अप पे बाय करेंगे इस लेवल के डाउन पे शॉर्ट करेंगे। टारगेट रहेगा 1412 1400 1395 का। तो जो आज मैंने आपके लिए लेवल्स प्रोवाइड किए थे उनमें से एक था हमारा जस्ट डायल जो कि मैंने आपको व्हाट्सएप पे प्रोवाइड किया था। डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा आप हमें कांटेक्ट कर लीजिएगा। मिड कैप के स्टॉक्स में वहीं पे प्रोवाइड करता हूँ और जो बाकी के जो तीन स्टॉक है SBI का टाटा स्टील और पॉली मेडिकल्स ये मैंने आपको टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड किया था। डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा ज्वाइन जरूर हो जाएगा। इसकी बाइंग थी हमारी जो थी जस्ट डायल की वो थी 926 पे और इसने अपना हाई बनाया 956 अराउंड समथिंग का तो 30 पॉइंट्स अप ही आपको देके चले गया। उसके बाद ये डाउन आने के बाद दोबारा हमारा लेवल ब्रेकआउट किया जैसा मैं बोलता हूँ जितनी बार आपका लेवल ब्रेकआउट हो उतनी बार आप बाय या शॉर्ट सेल कर सकते हैं। तो यहाँ से दोबारा ये बढ़ गया और इसने अपने तीनों टारगेट प्राइस दोबारा से अचीव कर लेते तो अच्छा खासा आपको मूवमेंट जस्ट डायल में देखने को मिल गया था। अगला था हमारा टाटा स्टील। तो टाटा स्टील देखिए पहले तो ये गैप अप ओपन हुआ था। गैप अप ओपन होने के बाद कंडीशन क्या होती है आपकी ट्रेड की कि अगर आपको ट्रेड करना है तो उसका गैप रिफिल होना चाहिए। गैप रिफिल कैसे होगा जैसे ये बाइंग प्राइस है और एज्यूम कीजिए ये वाली हमारी जो ये लाइन मैंने खींची है 1096 पे ये हमारी शॉर्ट सेलिंग प्राइस है। हालांकि इसकी शॉर्ट सेलिंग प्राइस अलग थी बट मैं आपको एग्जांपल के तौर पे समझा रहा हूँ ये इसकी बाइंग प्राइस है ये इसकी शॉर्ट सेलिंग प्राइस है। तो जो आपका स्टॉक है वो बाइंग और शॉर्ट सेलिंग प्राइस के बीच में कहीं पर भी 5 मिनट का होल्ड लेना चाहिए। उसके बाद जब दोबारा आगे बढ़े ऊपर बढ़ना शुरू हो तब आप इसे लेवल ब्रेकआउट हो तब आप इसे बाय कर सकते हैं। तो वही चीज़ हमारी टाटा स्टील में देखने को मिली ये इसने यहाँ पे हमारा जो है गैप रिफिल करने के बाद ब्रेकआउट दिया और हमारे दो टारगेट प्राइस इजीली अचीव कर लिए। तो उसके बाद दोबारा से डाउन आया दोबारा अप गया और दो टारगेट प्राइस इसने यहाँ भी अचीव कर लिए। तो दो बार तो हमारे बाय साइड के दो दो टारगेट प्राइस इसमें इजीली अचीव हुए थे।
एसबीआई कार्ड की मैं बात करूँ, इसने ज़्यादा अच्छा मूवमेंट आज दिया नहीं, हालांकि ये मूवमेंट काफ़ी अच्छा देता है, बट आज ये जो था ज़्यादातर फ्लैट मार्केट की तरफ ही था। इसकी जो ओपनिंग थी आज यहाँ पे भी थी, और ये देखिए इस लाइन से अगर हम देखें तो ना ज़्यादा ऊपर बढ़ा है ना ज़्यादा नीचे आया। तो पॉली मेडिक्योर हमारा आखिरी स्टॉक था जो मैंने आपको टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड किया था, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, टेलीग्राम चैनल में ज्वाइन जरूर हो जाएगा क्योंकि मॉर्निंग में दो स्टॉक्स मैं वहीं प्रोवाइड करता हूँ। तो जो हमारा पॉली मेडिक्योर था इसे हमें शॉर्ट करके चलना था 1030 पे, और इसने अपना लो बनाया आज का 1010, यानी कि 20 पॉइंट्स तो ये आपको देख के गया, बट जो हमारा तीसरा टारगेट प्राइस था वो ये अचीव नहीं कर पाया जो कि था 1006 का, लेकिन दो टारगेट प्राइस तो इजीली इसमें अचीव हो गए थे, तो इसमें भी ठीक ठाक रहा अगर आपने इसमें ट्रेड किया होगा। तो यही थे हमारे कुछ स्टॉक्स, अगर स्टॉक गैप ओपन होता तो मैं लेवल चेंज कर दूंगा, उसकी चिंता आप मत कीजिए। डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा, ज्वाइन जरूर हो जाएगा क्योंकि वहीं पे मैं चेंज करके अपलोड कर दूंगा, वो चेक कर लीजिएगा। मार्केट खुलने के बाद जब निफ्टी हो जाता है, जब स्टॉक्स की जो प्राइस है वो लग जाती है, यानी कि 9:08 के बाद एक बार अपना टेलीग्राम उसे चेक जरूर कीजिएगा कि लेवल में कुछ चेंजेस तो नहीं है या फिर मैंने कोई लेवल चेंज कर दिया है, तो वो चीज़ चेक जरूर कीजिएगा। मैं एडिट कर देता हूँ वहीं पर लेवल, तो चेक कर लीजिएगा। बाकी का जो है बाई, अगर ये कल बुलिश रहता तो इसका बाइंग का लेवल बन रहा है 1133 का, और शॉर्ट का लेवल बन रहा है 1117 का। अब देखते हैं कल क्या रहने वाला है, स्टॉक निफ्टी पे डिपेंड करता है, निफ्टी जैसा मूव करेगा स्टॉक भी कुछ हद तक वही आपको परफॉर्म करके देगा। पॉलीप्लेक्स कॉर्पोरेशन का आपका लेवल बनने वाला है बाई साइड का, वो है 1133, मोस्ट प्रॉबली आप इसे बाय करके चलेंगे 1134 पे। 1123 का हमारा स्टॉप लॉस रहेगा, टारगेट रहेगा 1138, 1150 और 1160 का। तो आपको चार्ट में मैंने बताया था 1117, बट एग्जैक्ट लेवल है आपका 1118, यानी कि 1117 पे आप उसे एग्जैक्टली शॉर्ट करके चलेंगे जब 1117 पे आ जाएगा। स्टॉप लॉस रहेगा आपका 1128, टारगेट रहेगा 1113, 1105 और 1095 का आपका आपके टारगेट प्राइस रहेगा। अपना स्टॉप लॉस ट्रायल करना मत भूलिएगा, स्टॉप लॉस ट्रायल करना बहुत ज़रूरी है। बाकी आज की वीडियो में बस इतना ही, टेलीग्राम चैनल में ज्वाइन जरूर हो जाएगा, और हमें डिस्क्रिप्शन में आपको हमारा व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा, आप हमें कॉन्टैक्ट जरूर कर लीजिएगा। मिड कैप के स्टॉक्स में वहाँ पे मॉर्निंग में प्रोवाइड करता हूँ जैसे मैंने आज जस्ट डायल किया था। तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं आपको अगली वीडियो के साथ।